नमस्कार, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। यदि आप उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने अभी एक सूचना दी है। सूचना किससे रिलेटेड है? टेंडर को लेके। वो तमाम एजेंसियां जो आरएफक्यू के तहत तो यहाँ पर बिड के लिए निविदा प्रस्तुत की हैं, उनके संबंध में अगर देखा जाए तो भर्ती बोर्ड ने एक सूचना दी है। उस सूचना को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है और बहुत सारी जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। यहाँ पे देखिए, इस नोटिस को देखिए, 4 मार्च आज की डेट है और आज ही इसने एक नोटिस जारी की है। नोटिस किसके लिए है? कांस्टेबल भर्ती के लिए, जो 26,210 नागरिक पुलिस के लिए और 172 फायरमैन पदों के लिए, यानी कि टोटल 26,382 पद के लिए आपका जो नोटिफिकेशन आना है वो देखा जाए तो पिछले 8 महीने का, पिछले 1 साल से ही खबर आती रह रही है। लेकिन आज के समय में भी जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो कहीं ना कहीं वो लेट होता जा रहा है। और अब क्या लेट हुआ है इसे देख लेते हैं कि बाकी चीज़ें तो इसमें बकवासें लिखी हैं, जो एजेंसियों के लिखे हैं, आपके लिए मतलब नहीं है, लेकिन हमारे मतलब की चीज़ है वो हम देख लेते हैं। अगर आप ये एलो पार्ट सही से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 एवं फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती 2021 द्वारा भरे जाने के लिए कार्यदायी संस्था के चयन हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए उपरोक्त आरएफक्यू के संबंध में मात्र एक कार्यदायी संस्था द्वारा अपनी निविदा प्रस्तुत की गई है। अब ये बात समझिएगा कि पहले तो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस इतने ज़्यादा टफ होते हैं और इतने अकड़ू होते हैं कि कोई भी एजेंसी इनके साथ हाथ डालना चाहती नहीं। दो एजेंसी गिनी चुनी आती हैं, एक होती है TCS और दूसरी होती है NACIT। हालांकि ये बहुत ज़्यादा गोपनीय बात रख रहे हैं, ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कौन सी कंपनी ने निविदा प्रस्तुत की थी। मैं आपको बता दूँ, TCS ने प्रस्तुत किया था और उसने बहुत सारे टर्म्स भी रखे थे कि आप अपने RFQ में ये चेंज करिए ताकि ये हमारे लिए आसान हो पाए। फिर भी भर्ती बोर्ड ने उसे एकदम बोल दिया था कि ये डिनाइड हो गया है, आपकी बात मानी नहीं जाएगी, आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। जिसके संबंध में केवल TCS आई, बाकी कोई कंपनी आ भी नहीं पाई, ये बात समझिएगा। अब भर्ती बोर्ड क्या कह रही है कि जब तक हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कोई एजेंसी नहीं आती, निविदा प्रस्तुत नहीं करती है, तब तक हम बिड ही नहीं कराएंगे। और इसके संबंध में आज दिनांक 4/3/2022 में निर्गत करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 15/3/2022 को समय प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक फिर से इन्होंने क्या कर दिया है, टाल दिया है। मतलब अब जो अभी तक 22 तारीख पहले 7 तारीख से ये काम चल रहा है, फिर पहले टला, फिर टल के 22 तारीख हुआ, 22 से 28 हुआ, 28 से अब 15 मार्च आ गया और अभी भी देखिए कितना टलता है, ये कहा नहीं हो सकता। फिर भी हम ये मानते हैं कि हालांकि कुछ चेंजेस इस बार RFQ में किए हैं, क्योंकि आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं होगा, फिर भी वो हमारे कंसर्न की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन कुछ इन्होंने RFQ में अपडेट करते समय एक क्ल्यू छोड़ दिया है जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए। क्या ज़रूरी है ये चीज़ देखिएगा कि पहली बात तो ये पेपर ऑफलाइन होगा, ये सभी को पता है, और एजेंसियों से ये कह रही है कि आपके पास 5,000 क्वेश्चन आपको बनाने चाहिए। जो क्वेश्चन बनाओ वो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से बनाओ, कोई गलती मत करो, और अगर 5,000 में से 2,000 भी यूनिक क्वेश्चन बनाने होंगे तो एजेंसियों की आफत आ जाएगी, ये बात आप समझिएगा। दूसरी बात ये है कि जो भर्ती बोर्ड है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 20 लाख लड़के करीबन क्या होंगे, फॉर्म भरेंगे, और उस 20 लाख में ये 85,000 बच्चे DBPST और किसके लिए, रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो वैकेंसी कितनी है, 26,000 है, और 26,000 वैकेंसी में अगर 85,000 बुलाए जाएंगे, मतलब इनका अभी से ही एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि केवल 3 गुना बच्चे दौड़ के लिए बुलाए जाएंगे, मतलब कि जो आपके रिटर्न का कट ऑफ है वो बहुत हाई जाने वाला है, ये बात मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो पढ़ाई आज से ही बहुत अच्छी तरीके से चालू कर दो। ये देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इन्होंने साफ साफ ये लिखा हुआ है, ऑफलाइन पेपर में OMR बेस जो होगा, अप्रॉक्स 20 लाख बच्चे क्या होंगे इसमें अप्लाई करेंगे, DBPST के लिए 85,000 होंगे। ये एजेंसियों से बता रहे हैं कि हमारे पास इतने एक्सपेक्टेड आएंगे, लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि ये 3 गुना ही बुलाएंगे। और दूसरी बात अगर आप यहाँ पे देखो तो एजेंसी को बोल रहा है कि भाई जो क्वेश्चन बनाओगे वो आप ही बनाओगे, ये वाला पार्ट देखो, क्वेश्चन बैंक है ना, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ 5,000 क्वेश्चन विद ऑथेंटिक सोर्स बुक्स एज पर सिलेबस एंड गाइडलाइंस प्रोवाइडेड। तो एक बात समझिएगा कि एजेंसी कोई भी हो, अभी तक क्या होता था, जैसे इससे पूर्व में अपने UPSI का देखा या किसी का देखा, तो उसमें क्या हुआ था कि जो पहले वाला पेपर था बहुत ज़्यादा उसमें आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, और क्योंकि पेपर उस बार आउट भी हो गया था तो जो भी एजेंसी बनाई वो आनंद फानंद में बहुत ज़्यादा
आउट ऑफ सिलेबस चली गई थी, बट अब भी जो पेपर हो रहे हैं उस पर प्रॉपर टाइम लिया जा रहा है, और प्रॉपर टाइम लेने में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो अप टू सिलेबस बनेंगे। तो कहीं भी आपको कोई ये भटकाता है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो भटकाव की स्थिति मत लाओ, सिलेबस एज पर सिलेबस बनेगा। भर्ती बोर्ड इस पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं बनने, और आपके पास जो भी एजेंसी है उनके पास 5000 क्वेश्चन बनने चाहिए, और मैक्सिमम न्यूली फ्रेम्ड होने चाहिए और ऑथेंटिक सोर्स से होने चाहिए। ये भी नहीं कि उटपटांग क्वेश्चन भर दो। ऑथेंटिक सोर्स का मतलब ये हो जाता है कि अब उटपटांग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जैसे बाकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर आप यहाँ पे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एक बात समझ लीजिएगा कि आपको धैर्य बना के करना है, क्योंकि अगर 15 मार्च को सपोज करिए कि 15 मार्च को ये बिड में कोई दो एजेंसी तीन एजेंसी आ भी जाती है और बिड क्लियर भी हो जाती है, कोई एजेंसी वहाँ पर निर्धारित हो भी जाती है, तो भी ऑफलाइन पेपर है। ऑफलाइन पेपर के लिए सर्वप्रथम तो इनको क्या डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ए टू जेड पूरा एजेंसी का ही काम होगा, आपके फॉर्म भरवाने से लेके आपके लास्ट मेरिट लिस्ट तैयार करने तक, रिजल्ट तैयार करने तक, उसमें कहीं भर्ती बोर्ड का रूप नहीं होगा, वो सारा काम कौन करेगी? एजेंसी करेगी। तो भर्ती बोर्ड को हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो पैसा फेंकेगी तमाशा देखेगी वाला सीन रहेगा, ठीक है। अब अगर कोई भी एजेंसी करेगी तो उसे फॉर्म भरवाना है, तो जाहिर सी बात है कि उसका फॉर्म निकलवाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरवाएगा, और जैसे भर्ती बोर्ड के सारे फॉर्म 40-40 दिन चलते हैं, नो डाउट आपके कांस्टेबल का भी 40 दिन आपका चलेगा। तो 15 मार्च को अगर डिसाइडेड भी हो जाता है तो भी आपका मान के चलो अप्रैल से फॉर्म फिलिंग चालू होते हैं, तो वहाँ पे 40 दिन जाएगा, तो लगभग मिड मई तक आपका फॉर्म ही चलेगा। उसके बाद भी ऑफलाइन पेपर होना है, 20 लाख पेपर, 20 लाख बच्चे, इसका मतलब 20 लाख कॉपी तो प्रिंट होगी ही होगी। और दूसरी बात यह है कि हमेशा कोई भी एजेंसी जब पेपर बनाती है तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बनाती है, ऐसा नहीं है मान के चलिए कि 4 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो 4 शिफ्ट के पेपर में 1 में 150 क्वेश्चन आते हैं, 600 क्वेश्चन तो बनाएगी वो, और भी 600 क्वेश्चन अलग बनाएगी, ऐसे तीन कॉपी बनती हैं पेपर के। इसका मतलब ये हो गया कि वो 1200 यूनिक क्वेश्चन तो रखेंगे, और एक नहीं तीन कॉपी रखेंगे, तीन कॉपी प्रिंट कराना, मतलब कि अगर पेपर आउट हो जाए या कैंसिल हो जाए या कोई भी दिक्कत ऐसी आ जाए जिसके द्वारा हमें अगर परीक्षा निरस्त होती है दोबारा करना पड़े तो फिर से उतनी मेहनत ना पड़े, इस कारण से बैकअप लेके चलते हैं। तो मान के चलिए 20 लाख बच्चे हैं तो फिर से पेपर बनवाएंगे, फिर से प्रिंटिंग जाएगी, हर चीज़ जाएगी, उसके लिए ये करीबन नहीं तो 50 से 60 लाख प्रिंटिंग होगी, और 50 से 60 लाख की प्रिंटिंग में आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा समय जाएगा। इस कारण से ऑफलाइन पेपर में समय ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। तो ये जो का एग्ज़ाम है ये बोल सकते हो कि जुलाई से पहले तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। आपके पास समय पर्याप्त मिल रहा है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, 4 महीने मिल रहे हैं, लेकिन 4 महीने भी पर्याप्त नहीं होते। सबसे बड़ी कमी ये है कि आप लोग जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है तब तैयारी करना शुरू करते हो, ये गलत है। तैयारी में अभी से जुट जाओ, क्यों? क्योंकि 3 ही गुना बुलाए जाएंगे आपके रनिंग में और कट ऑफ बहुत हाई जाना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कांस्टेबल भर्ती के लिए टीम परीक्षा प्लस आपके लिए बहुत बेहतर सोच रही है, और ये पूरा टीम में प्लान चल रहा है कि आप सभी के लिए कांस्टेबल की जो भर्ती है उसका जो कोर्स है वो निःशुल्क किया जाए, निःशुल्क एक बैच चलाया जाए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों के लिए, ताकि उनका जो करियर है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसानी से, जो क्वालिटेटिव परीक्षा पर जिसके लिए जाना जाता है कि गुणवत्तापूर्ण हमेशा कंटेंट देने के लिए, चाहे वो क्लास की बात हो, चाहे वो नोट्स की बात हो, चाहे वो टेस्ट की बात हो, और फिर से हम इस बार ये चीज़ पूरा निःशुल्क सोच रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि परीक्षा प्लस अपनी उसी गुणवत्ता उसी डेडिकेशन के साथ आपके लिए आपके साथ आए और निःशुल्क में बैच चलाए, तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए कि कितने बच्चे चाहते हैं कि टीम के द्वारा एक निःशुल्क बैच कांस्टेबल के द्वारा कांस्टेबल के लिए चलाया जाए। चलिए, आपके कमेंट की मुझे इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपनी तैयारी अभी से जारी कर दीजिए। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।